नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी बिग अपडेट मिल जाए, जो कि आपके पास साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि गुरु जमवेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई है। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के रिगार्डिंग है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है, जो कि गुरु जमवेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार GJU यूनिवर्सिटी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें खुली हुई है। पूरी की पूरी डेट आपके साथ शेयर करेंगे, डिटेल्स। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे जी। इसकी स्टार्टिंग डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट स्टार्टिंग डेट अनाउंस होगी उसके बाद ही लिंक एक्टिव होगा। अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ, बट स्टार्टिंग डेट उम्मीद है अभी जल्दी एक दो दिन में डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे डिस्प्ले होती है तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और 8 मार्च इसकी लास्ट डेट मेंशन है जी, 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और इसमें फीस स्ट्रक्चर भी जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। फीस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट सारी की सारी फीस भी ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम कम से कम एज लिमिट 21 साल है, मिनिमम कम से कम एज लिमिट 21 साल है। इसमें पोस्ट की बात करें तो पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, और मेन बात है रेगुलर बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। रेगुलर बेसिस मतलब है तो परमानेंटली, बट रेगुलर रहोगे तो आप इस जॉब में टिक पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। रेगुलर बेसिस का मतलब होता है डेली आप रेगुलर में रहोगे, कंटिन्यू में होगे तो ये पोस्ट पे रहोगे। इसमें एजुकेशन की बात करें तो PG मांगी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है रिलेटेड सब्जेक्ट में, जो से सब्जेक्ट में नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब में आपको दिखाएंगे। और इसी में .NET क्वालिफाइड मांगा हुआ है, या फिर अगर PhD रिलेटेड सब्जेक्ट में नहीं है तो नेट क्वालिफाई मांगा हुआ है, नेट क्वालिफाई हो या फिर PhD की हुई हो। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दे दीजिएगा। PhD की हो, नेट क्वालिफाइड हो, या PG डिग्री हो पोस्ट ग्रेजुएशन की और रिलेटेड सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के। ठीक है, इसकी टोटल पोस्टों की अभी तक डिटेल आई नहीं है, बट सिलेक्शन की बात करें तो इन्होंने बताया जी मेन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि है तो परमानेंट ही बट डेली बेस पर। ठीक है जी, डेली बेस पर रेगुलर बेसिस पर ये पोस्ट है, ये देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा आप जूम कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ये देख सकते हो गुरु जमवेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार की तरफ से, जो कि एडवर्टाइज नंबर 1/2022 है, 1/2022 है जी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। वेरियस मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्टें निकलेंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकलेंगी, जिसकी लास्ट डेट 8 मार्च है। 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है, कल ही अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन आया जी, आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर कर रहे हैं। और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया एक्सेट्रा मे बी सीन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अभी तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, बट जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, यानी कि अप्लाई करने की डेट आ जाती है, तो आपके साथ वो भी हम शेयर कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा भी इसमें अप्लाई की डेट आपको कोई भी मेंशन नहीं की हुई, अप्लाई डेट मेंशन नहीं की हुई है। और ये देख सकते हो एक्टिव लिंक अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिव, लिंक एक्टिव अपडेट सून, जल्दी लिंक एक्टिव हो जाएगा, जैसे अपडेट होता है तो आपके साथ शेयर कर देंगे। फैकल्टी की पोजीशन है, फैकल्टी की वैकेंसी निकलने वाली है, उम्मीद है भी ये ज़्यादा से ज़्यादा तो 10-15 दिन ही देंगे। ठीक है जी, क्योंकि जो पोस्टें अब रेगुलर बेसिस पर खुल रही हैं, 10-15 दिन सिर्फ पोस्टें खुलती हैं, 10-15 दिन के अंदर अंदर आपने फिलअप करना होता है फॉर्म। जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाएगा तो आपके साथ वो भी लिंक भी हम शेयर कर देंगे, फुली नोटिफिकेशन भी। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जी, अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुली नोटिफिकेशन आते आपके साथ फुली नोटिफिकेशन भी शेयर
कर देंगे, अभी तक फुली नोटिफिकेशन भी नहीं आया, ठीक है जी। जैसे आएगा उसमें पूरी पूरी डिटेल होगी, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। मेन बात डॉट नेट पीएचडी वालों के लिए, पीजी वालों के लिए ये पोस्टें ओपन होने जा रही हैं, जल्दी हो जाएंगी क्योंकि लास्ट डेट 8 मार्च बता रखी है। उम्मीद है भाई 8 फरवरी तक हो जानी चाहिए, 8 नहीं तो 10-12 फरवरी तक एक्टिव लिंक हो जाना चाहिए। जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाएगा आपको हमारे इस चैनल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह की और भी नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आप नोटिफिकेशन अप टू डेट रहना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कीजिए ताकि आप हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटीज और भी लेके आए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।